Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 14, Practical Geometry. In previous class, we have completed our exercise 14.4. In this class, we are going to start our exercise 14.5. So let's start from question number 1. Question number 1 is, draw AB of length 7.3 cm and find its axis of symmetry. आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.3 cm का और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है. इट मींस अगर आप हॉरिजॉन्टल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट मींस उसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है. और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीन क्या है, उस लाइन सेगमेंट को आपको इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे करना. सॉल्यूशन 1 के लिए आप एक इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और जिसका मेजरमेंट आप 7.3 cm लेंगे. ठीक है, अब मुझे 7.3 जो लाइन सेगमेंट है इसे बाइसेक्ट करना है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो तभी निकलेगी. अब बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास को आपको कैसे यूज करना है देखिए. जब आप कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रखेंगे, आप अपने उस लाइन सेगमेंट से इसे मोर देन हाफ खोलेंगे, ओपन करेंगे. ठीक है, मोर देन हाफ जब आप खोलेंगे तो आपको टू आर्क्स देने हैं फ्रॉम ईच पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. इस तरीके से कंपास की नीडल को रख के आपने यहाँ पे एक आर्क देना है, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ओपन करना है. तो वन आर्क यहाँ पे देना है और एक वन आर्क आपको यहाँ देना है इस पॉइंट पे नीडल को रख के. एक वन आर्क इस तरीके से, सेकेंड आर्क इस तरीके से. नीडल पे आपकी जो नीडल है आपका ए पॉइंट पे रहेगा. सिमिलरली आपको बी पॉइंट पे ये रखना है कंपास की नीडल. वन आर्क आपको इस तरीके से देना है बी पॉइंट से, सेम ही रेडियस का, और एक आपको इस तरीके से देना है. तो ये जो रेडियस आपने ओपन की थी, और आप ऑलमोस्ट आप पहचान सकते हैं कि जो आपका 7.3 से मोर देन हाफ हम लाइन का एक मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बिना बेजर किए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि मोर देन हाफ हमारा कंपास ओपन हुआ है. तो उसी सेम रेडियस से आपको दोनों पॉइंट से क्या देने हैं, आर्क देने हैं, अपर साइड और लोअर साइड ऑफ लाइन सेगमेंट. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे सी एंड डी, आपको विद द हेल्प ऑफ रूलर इस तरीके से जॉइनिंग करनी है. क्लियर, तो ये जो लाइन बनी है आपकी, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट पे ओ पॉइंट पे मीट करती है. ओके, हम उसको नेमिंग दे देंगे. जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट आएगा वो 7.3 का हाफ आएगा, यानी ये डिस्टेंस भी 7.3 की और ये भी 7.3 की हाफ हो जाएगी. तो आप जब उसको रूलर से मेजर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने 7.3 को एग्जैक्टली हाफ कर दिया. क्लियर, तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है. सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 cm एंड कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आपको एक लाइन सेगमेंट 9.5 cm का ड्रॉ करना है. बेटा परपेंडिकुलर हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में भी स्टडी करी थी कि परपेंडिकुलर क्या होते हैं. जहां पे टू लाइंस या टू लाइन सेगमेंट्स या रेस कहीं पे मीट करते हैं और वहां पे क्या एंगल बनता है उनके बीच में, 90 डिग्री, तो वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही है क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है और वर्टिकल एक्सिस है तो ये इस पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेगी. इट मींस जो पार्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया उससे रिलेटेड हमें यहां मिल गया परपेंडिकुलर. अब बाइसेक्टर का मीन होता है किसी भी चीज को, लाइन सेगमेंट को या किसी भी फिगर को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना. तो आप देखेंगे कि हमने 7.3 को भी यहां इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. इट मींस जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस किया है वही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है. बस क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट की डिफरेंस है, करना सॉल्यूशन सेम है. तो देखो कैसे करेंगे, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं. आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज हमने PQ ले लिया, ये है 9.5 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया.
अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, कंपास की नीडल को यहां रखना है, अपने कंपास को लाइन से के मोर देन हाफ से ज्यादा खोलना है, ठीक है, ओपन करना है कंपास को, यहां से रख के आप खुद देख सकते हैं कि मोर देन हाफ आएगा तो आप उससे खोलना है, लेस देन हाफ नहीं रखना और इक्वल टू हाफ नहीं करना, तो इजीली आपके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो आपको मोर देन हाफ खोलेंगे ओपन करेंगे। पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से सेम रेडियस से आप ऊपर एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। सिमिलरली क्यू के लिए वन आर्क आप यहां से देंगे, सेकेंड आर्क आप नीचे के लिए देंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और वो आपकी क्या लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। और यहाँ पे क्या ड्रॉ पॉइंट करेंगे, हम इसको नेम दे देंगे ओ। यहाँ पे आप जब प्रोटेक्टर से चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के नेम भी दे देने हैं, जहां जहां जो चीज इंटरसेक्ट करती है। तो जो क्वेश्चन नंबर वन किया था सिमिलर क्वेश्चन नंबर टू का भी वही प्रोसेस है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हूज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 10.3 का सेगमेंट का ड्रॉ करना है। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो, अगेन वही प्रोसेस, क्या करना है, हमें लाइन सेगमेंट का कोई नाम दिया है एक्स वाई, तो हम लेंगे 10.3 सेंटीमीटर का। अब जो चीज पहले बताई थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कंपास की नीडल यहां रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके वन आर्क अपर साइड वन आर्क लोअर साइड, सेम रेडियस से वाई की तरफ से आप रखेंगे वन आर्क अपर साइड सेकेंड आर्क डाउन साइड, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, ये ओ दे देंगे, ये सी दे देते हैं, ये ए, तो ये हमारा इसका सी डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली उसको ज्योमेट्री नोटबुक में 1, 2, 3 क्वेश्चंस करने, क्लियर, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 12.8 सेंटीमीटर, यूजिंग कंपासेस डिवाइड इट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई एक्चुअल मेजरमेंट आल्सो। आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पहले किया था क्वेश्चन, उनमें अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना सीखा है, मींस बाइसेक्ट करना सीखा है, अब 4 पार्ट्स में करना है। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सोचे और समझे कि कोई भी चीज है, हमें अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है, तो पहले हम उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जो 2 इक्वली पार्ट्स आएंगे उनको अगेन अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाएंगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, आप इसे नेमिंग जरूर देंगे, जो बुक में क्वेश्चन में गिवन है वो दीजिए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ये हम रूलर की हेल्प से हमने ड्रॉ किया, ओके। अब मैं सबसे पहला काम इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बट 4 पार्ट्स में करना है, पहले मैं इसे हाफ में कर रही हूँ। हाफ में करने के लिए क्या प्रोसेस था, अगेन वही प्रोसेस, मोर देन अपने कंपास को खोलेंगे ओपन करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट, जितनी लाइन है उसका आधे से ज्यादा खोलना है, खोलेंगे ओपन करने के बाद उस सेम रेडियस से आप अपर साइड में एक डाउन साइड में आर्क देंगे। सिमिलरली पॉइंट बी से सेम रेडियस से आप करना, आप ऐसे रखकर अपने उसमें नोटबुक में आर्क देंगे, एक आर्क यहां आया यहां पे, तो ये इस तरीके से आप इनको ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट हमने दे दिए सी डी और इसको नेम दे दिया ओ, क्लियर। अब जो हमने इसको किया, आप स्केल से अगर अपने या रूलर से मैप करेंगे तो डेफिनेटली ये जो पार्ट मिलेगा आपको 6.4 सेंटीमीटर का मिलेगा ए से ओ तक, और ओ से बी आप मेजर करेंगे तो भी 6.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, अगर आपने एक्यूरेट किया है तो। कंपास को भी लूज टाइट नहीं करना। इसके बाद हमें एक पॉइंट मिल गया, क्या अगर हम एक ओ को मैं 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मुझे 2 पार्ट्स मिल जाएंगे यहां से यहां तक, ओ बी को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मुझे 3 और 4th पार्ट मिल जाएंगे,
तो टोटल मैंने इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। आपको क्या करना है, अगेन जो प्रोसेस हमने यहां किया था मोर देन हाफ खोलेंगे, इस बार ये लाइन सेगमेंट है इसका मोर देन हाफ खोलेंगे कंपास से आर्क अपर साइड डाउन साइड। इस बार पॉइंट ये है अपर साइड डाउन साइड और हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट है हमारे डी तक पहुंच गए, हमने दे दिया ई एफ। इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट को ए पी नेम दे देते हैं, कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। जब आप इसे मेजर करेंगे तो ये आपका 3.2 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, यहां से यहां तक। सिमिलरली ये प्रोसेस यहां भी करना है, आर्क देने हैं आपको इस तरीके से, आप कंपास की हेल्प से देंगे, पेंसिल का यूज नहीं करेंगे कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूं। आपको यहाँ पे कंपास की नीडल को रख के लाइन सेगमेंट को मोर देन हाफ ओपन करना है, क्लियर। अब जब इसे देखेंगे तो आप 3.2 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 3.2 सेंटीमीटर आएगा। हमने नेमिंग दे दी थी ई एफ तक, इसको दे देते हैं जी एच और ओ पी, ये हमारा जो पॉइंट है क्यू हो जाएगा। अब जब आप मेजर करेंगे, उसने कहा वेरीफाई एक्चुअल मेजरमेंट, जब आप एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो एपी इज इक्वल टू पीओ इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू क्यूबी, आपका 3.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका 12.8 है, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4। आप जब इसे मेजर करेंगे तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद पीक्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। ये हमने 4 सॉल्व किया, 5th को देखिए, उसने बोला है आपको जो 6.1 सेंटीमीटर है वो डायमीटर लेना है सर्कल का। तो देखो, हमने जब स्टार्टिंग एक्सरसाइज करी थी, हमने मेजर करके ओपन किया था, तो हमने रेडियस का मेजर किया था, हमें रेडियस तो यहाँ गिवन नहीं है, हमें डायमीटर गिवन है। तो अब डायमीटर्स को लेकर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करना बच्चों, एक 6.1 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और नेमिंग देनी है पी क्यू, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में गिवन है। सेम वही प्रोसेस, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, मोर देन हाफ खोलकर यहां पॉइंट से और एक नीचे से, इस तरीके से जो प्रोसेस हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में किया। इस पॉइंट को हम ओ दे देते हैं। बेटा ये जो ओ पॉइंट हमें मिला है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा सर्कल का सेंटर होगा। अब इस पॉइंट पे रखकर आपको कंपास, यहां जब आप सर्कल को बनाएंगे इस पॉइंट पे नीडल को रख के, आप जब सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल पी और क्यू से पास होता हुआ अपने आप चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब आप यहाँ पे नीडल रखेंगे कंपास की और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे तो आपका पी और क्यू को वो टच करता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायमीटर होता है वो सेंटर पॉइंट से जाता है और डायमीटर्स के एंड सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपका 3.05 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, ये भी 3.05 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, ठीक है। तो आपके ये पी और क्यू पॉइंट उस पर मीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।